ईवा ने इतना भगाया मेरे को, पता नहीं किधर किधर चली गई थी, और उधर दूसरे कुत्ते हैं। ईवा ने 2 टाइम रोटी खाई थी और फिर से उसका नाटक शुरू। तो अभी राम भाई उसके लिए एग्स बॉईल कर रहे हैं। हो गया, ये देखिए कुछ डालना है इसमें। हाँ, उसका फूड डालना है, वो मैं डाल दूंगा। अंदर ही रखना, अभी तो गर्म है ना, तो उसको मैं कर दूंगा वो। तो अभी ईवा को उसके फूड के अंदर बॉइल्ड एग डाल के क्रश करके दूंगा। अभी डॉग है तो उसको ये सब चाहिए ही है ना। ईवा, ए ईवा, खिलाए तेरे को टीटी। और ये देखिए रिद्धि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, क्या है ये बॉटल के अंदर? ये एप्पल साइडर विनेगर है। आप ही बैठो, आपके लिए भी लेके आ रही हूँ। राम भैया, एक ग्लास गर्म पानी देना ना, अभी दिया था वैसा। ईवा को देखो, वो गाय देखकर कितना मजा आ रहा है। वहाँ पर गाय है क्या? ईवा, गाय गाय। यहाँ पर ईवा को खेलने के लिए बहुत सारी जगह है। एक बार पहले मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद आपको पूरी जगह अच्छे से दिखाता हूँ। नाश्ता तैयार है, पोहा आनी, ब्रेड, बटर ब्रेड। कैमरे के सामने शर्मा रहे हो? कोई बात नहीं। क्या बनाया नाश्ते में? आज पोहा है, ब्रेड बटर। राम भाई है तो हमको नाश्ते की कोई फिक्र नहीं है। नाश्ते क्या, इवन खाने की कोई फिक्र नहीं है, बहुत अच्छा बनाते हैं राम भाई। बीवी होती है तो भाई साथ में यही होता है, किधर भी जाओ घर की चीजें इधर भी खींच के ले आती है। ये देखिए एप्पल साइडर विनेगर, वो भी स्टारबक्स की बोतल में। वाह भाई, गुजराती है तो कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा हर चीजों का। तो चलिए जल्दी से एप्पल साइडर विनेगर पी लेता हूँ, उसके बाद फ्रेश होके मिलते हैं ब्रेकफास्ट पर। रिद्धि की स्ट्रिक्ट वार्निंग है, अगर ब्रेकफास्ट करना है तो सबसे पहले नहाना पड़ेगा। वैसे शादी से पहले ये सब रूल नहीं था, जब भी लेट उठता था तो डायरेक्ट लंच भी कर लेता था बिना नहाए, सिर्फ ब्रश करके। लेकिन अभी ऐसा नहीं चलता, मम्मी सब कुछ चला लेती है लेकिन बीवी कुछ भी नहीं चलाती। अपना ही अच्छा है ना उसमें। नहीं, वो सच्ची बात है, वो मम्मी भी टोकती थी पहले, लेकिन मम्मी को ऐसा लाड़ प्यार में ना, माँ हर बच्चों को बिगाड़ देती है। वाह, शू कर रहे त्या? शू कर रहे? उसको भूख लगी है अभी। अरे भूख नहीं लगी, उसकी जान वो गाय के अंदर अटकी है। उसको ऐसा है कि वो गाय हमारे खेत में करके आ रही है। यहाँ पर हम लोगों को तो बैठने में मजा आता ही है, लेकिन ईवा को कितना मजा आ रहा है। मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इतना खुश हो रहा हूँ, क्योंकि ईवा को ये व्यू देखने में, पता नहीं वो गाय देख रही है, वो दूर कोई इंसान चल रहा है वो देख रही है, उसको देखने में मजा आ रहा है। और व्यू देखिए यहाँ का, वाह। हो गया वो ठंडा? हाँ जी, ठंडा। अब त्रण से ना रिद्धि? हाँ, ईवा आज नाटक किए बिना खा लेना, ठीक है? ईवा का खाना हो गया रेडी और ईवा भी खाने के लिए रेडी है ना। अभी कैसे अच्छे से खा रही है देखो, अभी इतनी तारीफ हो रही थी और ईवा के नाटक चालू खाने में। थोड़े के लिए रहने दिया, उसके खाने के अंदर वापस ऐसे मेरे को मिक्स कर करके उसको बहला फुसला के खिलाना पड़ता है। ये देखो, खा ले। एक छोटे बच्चे को रखो उसके सामने, कुत्ते को रखो तो छोटे बच्चे में कम मेहनत करनी पड़ेगी, कुत्ते में ज़्यादा करनी पड़ेगी। फाइनली नहा धो के रेडी, बस अब रिद्धि की वेट कर रहा हूँ। अभी रिद्धि नहाने गई है और जब रिद्धि आएगी तब साथ में नाश्ता करेंगे, लेकिन तब तक एक काम की बात कर लेते हैं। मैं काफी दिन से वाव लाइफ साइंस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज कर रहा हूँ। ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है और फ्रेश और रॉ कोकोनट मिल्क से बनाया हुआ है। इट्स रिच इन लॉरिक एसिड जो हम कोकोनट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसका काम होता है आपको बैक्टीरिया से बचाना, एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। आप सुबह उठकर एक कैप मुंह में डालकर अच्छे से घुमाते रहो 2 से 5 मिनट तक। ये आपको बैड ब्रीथ एंड कैविटीज से बचाता है और ओरल हाइजीन का ध्यान रखता है। इसको आप कुकिंग में भी यूज कर सकते हो क्योंकि 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और 100% ट्रांसफैट है। ये काफी हेल्पफुल है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। बाकी इसको आप हेयर ऑयलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप सिंपली इसको हाथ पर लगा लो, ये मॉइस्चराइज रखेगा आपको एंड समर में हाइड्रेटेड रखेगा। और अगर आपको ये वाव लाइफ साइंस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल खरीदना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से जाकर इसको आप आसानी से खरीद सकते हो। फाइनली रिद्धि नहाकर आ गई है और इधर देखिए ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू। और अभी राम भैया कॉफी बनाकर ला रहे हैं, तब तक आपको ड्रोन शॉट से ये सारा व्यू दिखाता हूँ।
युवा को वैसे सुबह 5:30-6 बजे के आसपास मैंने घुमा लिया था, लेकिन फिर भी अभी एक बार थोड़ा बहुत घुमा लेता हूँ, उसके बाद वो आराम से दोपहर को सो पाएगी, है ना। अभी देखना जैसे गार्डन में उसको छोड़ूंगा ना, वो भागना शुरू कर देगी, ये देखना। उधर वो दूसरा डॉग भी बैठा है, ईवा तो सबके साथ खेलती है लेकिन वो डॉग थोड़ा एग्रेसिव है, तो ईवा को उसके पास नहीं जाने देना है मेरे को। कम 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 कम। उसको जिस जिस जगह पर दूसरे डॉग की स्मेल आएगी वो हर जगह जाके स्मेल करेगी। क्या देख रही है बाहर है ईवा? चलो चलो घर पे जाते हैं। नो 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 नो, ये देखो किधर भाग गई। ईवा ने इतना भगाया मेरे को, पता नहीं किधर किधर चली गई थी, और उधर दूसरे कुत्ते हैं। इसको तो शाणी को ऐसा कि सबके साथ खेलने का इसको तो मजा आता है, लेकिन दूसरे डॉग्स को तो सिर्फ फाइट ही करनी होती है। अभी इसको पता नहीं है कि भाई फाइट भी होती है कोई चीज, इसकी लाइफ में तो सिर्फ खेलना और खेलना ही है। इधर जब मैं उसके ऊपर गुस्सा होता हूँ तब वो डरती है, लेकिन अभी तो सुन ही नहीं रही है। इधर आ, चलो चले सलाम, यहाँ चलो घरे जाइए, चलो घरे देखो सलाम, पकड़ो पकड़ो अभी उसको पकड़ो। कोई पकड़ने की जरूरत नहीं, उसको भागना सिर्फ खेलने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि छोड़ा तो भाग जाएगी, वैसा नहीं। चलो चलो घरे, चलो चलो चलो, इधर किधर, उसको ना बोला तो घूमके आई। बदतमीज हो गई लड़की, सुनती नहीं है किसी की। रिद्धि ने यहाँ पर सेटअप किया है, और इधर क्या करेंगे हम? यहाँ पे आज ईवा को चुचू बॉल वाली सरप्राइज देंगे। ईवा के लिए हम जो चुचू बॉल लाए हैं वो ईवा ने अभी तक नहीं देखा, तो ईवा को वो देंगे आज, तो ईवा का रिएक्शन देखेंगे कि क्या होगा। वैसे ईवा को चुचू बॉल बहुत पसंद है, चुचू बॉल मतलब जिस बॉल में से आवाज आती है वो, हम उसको चुचू बॉल बोलते हैं क्योंकि ईवा उसी नाम से पहचानती है। और वेदर क्या सही है इधर, ये देखिए पूरा बारिश का मौसम है, ऐसा वेदर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बारिश का मौसम हो लेकिन बारिश ना गिर रही हो, ताकि हम बाहर घूमकर नेचर का मजा ले सके। आपको पता ना चले ना, वैसे उसका ये बॉल है। जी ज़्यादा आवाज़ मत कर, उसको पता चल जाएगा। यहाँ पे रख के उसको पता नहीं चलेगा। ईवा किधर बैठेगी? ईवा इधर आ जा, ऊपर बैठ जा। बस भैया अभी पॉपकॉर्न लेके आ रहे हैं और नारियल पानी लेके आ रहे हैं। ओहो, और ईवा का सरप्राइज अभी हमारे पास है इस थैली में, वो ईवा को थोड़ी देर के बाद देंगे, क्योंकि अभी देंगे ना तो ईवा इतनी भागा दौड़ी करेंगी ना कि हमको इधर बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ओहो, नारियल पानी और पॉपकॉर्न, थैंक यू, वेलकम। मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा, रिद्धि बोल रहे बहुत मीठा है। सच में बहुत मीठा है। और वैसे ये नारियल पानी वो है जो हम वडोदरा से लेकर आए थे, है ना, पूरा के पूरा नारियल लाए थे, नारियल पानी इधर राम भैया ने निकाल के दिया। ये पॉपकॉर्न भी अपने वडोदरा वाले ही है। क्या बात कर रही है? हाँ भाई लेके आए थे तो काफी दिनों से पड़े थे तो मैं लेके आई। सही है, देखिए बैठे लोनावाला में है और खा रहे वडोदरा का खाना।
थैली में से धीरे से बॉल निकाल के मैंने पीछे ले लिया, ये रहा। तो अभी ईवा को पता नहीं है कि मेरे हाथ में चूचू बॉल है, तो अभी ईवा का रिएक्शन देखते हैं चूचू बॉल में। ये बोलो ईवा का खेलने का टाइम शुरू हुआ और बारिश भी शुरू हो गई। चलो चलो चलो, बारिश चालू हुई। एक काम करते हैं, बारिश चालू हो गई है तो हम लोग बारिश में खेलते हैं, क्योंकि भाई कैमरा में बारिश में रख नहीं सकता। तो आज के ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी टाइम है ईवा के खेलने का।